हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम। वेलकम आपका मेरी इस वीडियो में। आज की वीडियो अंदर मैं मूवी रिव्यू करूँगा नथान केस कोडुओ। दोस्तों, इस फिल्म को रात को हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है विद हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ये वैसे 2022 में रिलीज एक मलयालम कोर ड्रामा फिल्म है, जिसके अंदर दोस्तों आपको कोर ड्रामा के साथ साथ कॉमेडी, ट्विस्ट, सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तो करूँगा बात कैस फिल्म है ऐसा खास कि हमें इस फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं, और फिल्म देखे दोस्तों मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। सबसे पहली बात, अगर मैं स्पॉइलर फ्री ना करूं, आपको छोटा सा हिंट दूं आपको कहानी में क्या देखने को मिलने वाला है और क्या ट्विस्ट है इसके। तो कहानी है, मान चलो एक ऐसे चोर की जो न्याय के लिए कोर्ट में लड़ता है। अब उसको वो रियल में बेगुनाह है, ये उसके पीछे क्या ट्विस्ट है वो हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। अब मैं बात करता हूँ कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट की। देखो, ये मलयालम फिल्म है तो आपको पता है इन फिल्मों के अंदर ट्विस्ट होता ही है। ये एक ऐसी जॉनर फिल्में हैं मलयालम इंडस्ट्री की, कहना क्या यार, ये फिल्में जब बनाते हैं ना एक मतलब मास्टरपीस टाइप की फिल्म बनाती है। और यानी इनके दिमाग में पता नहीं स्टोरी ऐसे कैसे वो लेके आते हैं कि जो दर्शक होते हैं वो इंगेज होते हैं। जब मुझे पता लगा इसका बजट क्या था तो यकीन मानिए इतने छोटे बजट देना, अपने बजट से 5 गुना ज़्यादा पैसा रिकवर किया, तो आप सोच सकते हो फिल्म कितनी गजब की होने वाली है। देखो, ये फिल्म उन ऑडियंस के लिए है जिनको ट्विस्ट और साउथ की फिल्म में एक मास्टरपीस टाइप वाली जो फिल्म होती है ना, एकदम गजब की कहानी देखने को मिलने वाली हुए तो आप लोगों के लिए फिल्म बढ़िया होने वाली है। अगर आप ऐसी फिल्में नहीं देखते हो, पता लगे यार बहुत छोटा स्टार है, इतनी मतलब हैवी स्टार कास्ट नहीं है, वो मज़ा नहीं आ रहा यार, वो एक्शन नहीं देखने नहीं मिलने वाली, वो कहानी नहीं देखने मिलने जो हमारे बड़े हीरो की होती है, तो ये आपको फिल्म पसंद नहीं आएगी। इस फिल्म का प्लस पॉइंट इसका जो कोर ड्रामा सीन चलता है ना वो गजब का है। भले स्टोरी आपको नहीं देखने को नहीं मिलने वाली हो, भाई इसके अंदर आपको ऐसी रूटीन स्टोरी आपको देखने को हमेशा मिलती रहती है, लेकिन इसमें जो सेंटिमेंट डाले गए ना, जो इसमें सिस्टम दिखाया गया है, जो कहानी को प्रेजेंट करके हमारे सामने लाया गया ना, वो बड़ा सुंदर दिखता है। यानी कि एक बंदा टाइम पास कर सकता है फिल्म देखकर, जो ये नहीं बोल गया मैंने कोई बेकार फिल्म देख ली। तो सबसे पहली बात यार, मलयालम सिनेमा वालों को, आप जो फिल्में बनाते हो ना, आप सभी लोगों से यार मतलब विनती है यार, आप ऐसी फिल्में हमेशा हमारे सामने लेकर आएं। प्लीज़ यार, आपका जो कंटेंट कभी कम मत होने देना। हमें सिर्फ ऐसी कोई यूनिक स्टोरी, कुछ नई कहानियाँ सिर्फ आप लोगों की तरफ से देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए मेरा एक छोटा सा रिव्यू था। इन्जॉयमेंट करने के लिए आपको एक गजब की फिल्म चाहिए जिसके अंदर ट्विस्ट सब कुछ हो, लेकिन स्टार कास्ट बड़ी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको यार हमने फिल्म देख ली यार बोर हो गया यार, हमारा नेट ख़त्म हो गया, लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि यार मज़ा नहीं आया, आपने फिल्म गलत बता दी, दिल माने तो आप इस फिल्म को देख लेना। मैंने देखी, मुझे हक मिला तो मैंने आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर दिया। तो मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।